हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर 183 से। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c देन हमें कैलकुलेट करना है एंगल ए बी एंड सी। हमने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया है, लेट कर लिया है कि 3a इज इक्वल टू एक्स, या तो इस तरह हम लिख सकते हैं 4b इज इक्वल टू एक्स और 6c इज इक्वल टू एक्स। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन 3। अगर हम इसको ऐसे अलग अलग लिखें, एंगल सॉरी 3a इज इक्वल टू एक्स, तब क्या हो जाता है, एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन 3। ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा इसके नीचे, तब एंगल हो गया ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। यही चीज़ हमने यहाँ पे की है, एंगल ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। सेम इसके लिए करेंगे, 4 एंगल बी इज इक्वल टू एक्स था तो बी को यहीं रहने देंगे, तो 4 उठ के चला जाएगा, एक्स के नीचे आ जाएगा एक्स अपॉन 4। सेम चीज़ सी के लिए हो जाएगी, एंगल सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी। नेक्स्ट हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है किसी भी ट्राइंगल में। क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमने ए बी सी की वैल्यू, ये जो हमने यहाँ पे निकाली हुई, ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तब क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद हमने एलसीएम ले लिया है, कॉमन है, जो एलसीएम आ जाएगा 12। फिर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, 3 4 जा तो 4x आ जाएगा, यहाँ पे 4 3 जा 3x आ गया, 6 2 जा 2x आ गया और इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम यहाँ से जो भी सम कर देंगे आ जाएगा 9x अपॉन 12 इज इक्वल टू 180। अब देखेंगे जो भी कैंसिल हो रहा है, तो 9 1 जा और 9 2 जा, यहाँ पे आ गया 20। अब क्या करेंगे, x इधर ही रहने देंगे और 12 को इधर ले जाएंगे, तो ये जो डिवाइड में था राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 240। नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x तो हमें मिल गया, अब हमें ए बी सी एंगल निकालने हैं। तो हम देखे थे ये यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू है एक्स अपॉन 3, तो x हमको वैल्यू क्या मिली है 240। वही चीज़ हमने यहाँ पुट कर दी है, ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3, एक्स की वैल्यू थी 240 अपॉन 3, 3 1 जा 3 8 जा 2 24 आ गया ए इज इक्वल टू 80। सेम बी के लिए करेंगे, बी की क्या थी एक्स अपॉन 4, एक्स क्या आया है 240, तो 240 अपॉन 4, 4 1 जा यहाँ पे 4 6 जा, तो एंगल भी आ गया 60। इसी तरह सी के लिए निकालेंगे, सी की वैल्यू है एक्स अपॉन सिक्स ये दी हुई है ना, ये तो एक्स अपॉन 6, एक्स है 240 हमने यहाँ पुट कर दिया, आ जाएगा 6 1 जा 6 4 जा आ गया 40। अब हमारे ये तीनों मिल गए आंसर्स, एंगल ए 80 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 40 डिग्री। अब अगर हमें चेक करना है यही आंसर हमारा सही है या नहीं, तो हम सबको सम कर लेंगे तो 80 प्लस 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। यस, हमारा आंसर सही है, एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी एंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस तरह से हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह है गाइज, एक्सरसाइज नंबर 15 ए से क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन इससे आप समझ लीजिए, फिर उसको करने की कोशिश करिए, और फिर जो भी डाउट्स हैं आपके वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, और फिर जो भी डाउट्स होंगे हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।